भाई वो चेक करो झरना है, कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। आप देख रहे हो, बस आपको ऐसे ऐसे झरने आप देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर के नीचे से पानी निकल रहा होगा। ऐसे ऐसा आप रोड, आपको सारा का रोड, ये जितना भी रोड है ना, ये बस यहाँ से इसका जो मेन डेंजर पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है रोड का। ये देखो गाइस यहाँ से झरना जो बह रहा है कितना मस्त लग रहा है। अभी तो हमारा थोड़ा सेफ इसलिए है, सेफ कहने का मतलब कि ये जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो सेफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी बारिश या कम हुई है यहाँ पे, कल धूप निकली हुई थी तो रोड सूखा है। सपोज़ करो कि अगर ये रोड गीला हो तो फिर हम कैसे राइड करेंगे, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी आसान नहीं है अगर इस पर बारिश ज़्यादा पड़ जाए तो। बाइक इतना स्किट कर रहा है ना पत्थर से, क्या बताऊँ आपको, थोड़ा सोचो कि गाड़ी का क्या हाल होता होगा यहाँ पे। तो आपके लिए मैं ये पूरे रोड की वीडियो बना रहा हूँ कि आप पूरे रोड को अच्छी तरह से देख लो, खासकर ये वाले रोड की। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा रोड अच्छी तरह से देखो, इसको एंजॉय करो। और जहाँ जहाँ पर मुझे आप रिस्क लगेगा मैं आपको बताता जाऊँगा, वहाँ से प्लीज़ आप सावधानी से आना। और पंचर किट वगैरह, हवा भरने के लिए पंप वगैरह अपनी बाइक में ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की पड़ने वाली है और किसी चीज़ की नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो बाइक के टायर हैं वो एकदम न्यू होने चाहिए, जो क्लच प्लेट हैं वो एकदम बढ़िया कंडीशन में होने चाहिए, ऑयल जो बाइक का है वो चेंज करवा के। और यहाँ पे आपको देख ही रहे हो रोड कैसा है, यहाँ पे पहले दूसरे गियर में बाइक चल रही है, इससे ज़्यादा इससे ऊपर चलेगी नहीं, चाहे आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लो कि मैं यहाँ पर तेज़ भगा सकता हूँ, पर नहीं। ये देख रहे हो ना आप जो छोटे छोटे पत्थर हैं ना, इतनी बाइक स्लिप होती है इसके ऊपर से कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा स्किट होती है बाइक। ये देखो ये तो कैमरे की स्टेबिलिटी इतनी है कि आपको शायद कम मालूम चलेगा इसके बारे में, पर बहुत ज़्यादा बाइक स्किट हो रही है। ये देखो ये सारी चिकनी मिट्टी है पत्थर के साथ, अगर यहाँ पे बारिश पड़ गई तो बाइक तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ऊपर। वो देखो गाइस ऊपर सामने ग्लेशियर सच पास वाला, ये देखो गाइस ऊपर से झरना कैसे आ रहा है पहाड़ों के बीच बीच में से। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है, ये पूरा पत्थर का पहाड़ है और ये रोड हमारे ये नीचे से पानी होकर इस तरफ को बह रहा है। ये देखो आप चेक करो कितना मस्त लग रहा है, ये रोड के नीचे से जा रहा है सारा पानी। अगर आपको सच पास सही में घूमना है ना, तो पहली बात तो आप अगस्त महीने में आओ यहाँ पे, उस टाइम पे यहाँ पे बारिश भी कम होगी और आपको रोड भी सही मिलेगा। और दूसरे नंबर पे डलोजी वगैरह मत रुकना कभी भी, आप इस रोड पे आके जितना आगे आ सकते हो उतना आगे आके आपको होटल मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप आराम से रुक सकते हो। क्या हो गया आ जाएगा वो यार, कोई दिक्कत नहीं उसकी, आ जाएगा आ जाएगा। बाइक को ध्यान से चला, हीट हो रही है बाइक को, देख बाइक हीट हो रही है, ध्यान से चला बाइक को, चल चला अब आ जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं इस रोड पे, वो आगे जाके आएगी दिक्कत जो भी आएगी। और खड़े पत्थरों से ध्यान से निकालना बाइक, चल 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 निकल निकल जल्दी, बैग दे उसको, बारिश आने से पहले पहले ऊपर ऊपर से होके आना हमने। वो हेलमेट यही वाला दे दे इसको यार, नहीं नहीं हेलमेट पहना, ऊपर से पता थोड़ी है कब कब पत्थर को कौन सा पत्थर कब आ जाएगा। वाइजर खुला रहने दे उसका, ऐसे पहन ले ऊपर से, हाँ चल कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे आ जा। ये देखो कितना अभी यहाँ पे बिल्कुल सूखा है, इसलिए बाइक आराम से जा रहा है यहाँ से, नहीं तो जैसे ये पत्थर आ रहे हैं ना आप तेज़ यहाँ से आप सोचोगे कि मैं पीछे तेज़ भगा के लेके आऊँ और चढ़ाई आराम से चढ़ा लूँगा तो फिर वो भी दिक्कत आएगी। बस यहाँ पे यही है कि बारिश ना हो तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बारिश आ गई तो फिर बाइक चलना भी मुश्किल है।
ये देखो गाइस नीचे खाई, रोड के साइड पे नीचे सीधी खाई है। वो देखो गाइस सामने कितना बड़ा ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर के पहाड़ है पूरे पीछे तक। और वहाँ पे वो देखो आपको वो जो आप रास्ता देख रहे हो ना, वो पूरा रास्ता भी बन रहा है वहाँ, जितना भी आप देख रहे हो वहाँ तक हम अभी जाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वो ऊपर तक जहाँ तक रास्ता ये चलेगा वहाँ तक हम जरूर जाएंगे। गाइस ये चेक करो ग्लेशियर, और ये पूरा पानी इसका जो इतना ठंडा होगा ना इस टाइम, ओहो क्या मस्त ग्लेशियर है। ये चेकआउट कर लो डेंजरस क्यों है, ये देख रहे हो आप ऊपर पहाड़ है और उसके नीचे से हम निकल के जा रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओहो हो पैरों पे पानी गिर रहा है ना, ये जो बहुत ठंडा। अबे यार निकल जा, निकल गई। ओहो सॉक्स पूरी गिली होगी शूज़ के साथ, क्योंकि हमने नॉर्मल वाले शूज़ पहने हैं, दूसरे नहीं हैं, वाटरप्रूफ नहीं पहने हुए। यार अब गीले हो गए ना, मज़ा नहीं आएगा। देखो अब ये बात भी आप नोट कर लो कि शूज़ भी यहाँ पे वाटरप्रूफ पहन के ना भाई, ये जो गलतियाँ हम कर रहे हैं ये आप मत करना। जो मेन मोटिव है व्लॉग का यही होता है कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं। एक तो हमारी सबसे बड़ी बात कि याद रहेगी कि हम घूम के आए थे, और दूसरे नंबर पे अगर आप देखना चाहते हो कि अगर आप जाना चाहते हो यहाँ सच पास, अगर आप भी आ रहे हो तो उससे पहले वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ की आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मेन है। यार इतनी यहाँ पर ठंड है ना कि पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं बोल के आ रहा हूँ, इतनी चीज़ पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ, मुझे उतनी समझ आ रही। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी आती है गाइस ऊपर जाके, जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ना वो फर्स्ट गियर में नहीं बाइक चढ़ रही। ये देखो ये देख रहे हो बाइक का ये हाल है, तो गाड़ी का क्या हाल होगा। डोमिनर को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चढ़ेगा आराम से, इसको दिक्कत आ रही है बस चढ़ने में। अभी मैं अकेला हूँ, और सोचो अगर इस पर दो बंदे हों तो फिर क्या होगा इसका। ये देखो सारा रोड चिकना, और पूरा इसकी जो पूरी मिट्टी है वो गीली हो चुकी है इस टाइम। बाइक पीछे से इसका टायर जो है स्किट कर रहा है। चढ़ जा भाई, थोड़ी रेस को बढ़ा के रखना पड़ेगा शुरू से ही, अब स्किट तो करेगा ही करेगा। सामने अब ग्लेशियर एकदम पास दिखना शुरू हो चुका है, काफ़ी करीब आ गए हैं ग्लेशियर के अभी हम। और ये देख लो पहले गियर में हमारी बाइक चल रही है, तब से दूसरा गियर भी डल रहा है यहाँ पे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, गोप्रो पूरा भीग चुका है यहाँ अभी। गाइस अगर मुझे बोलने में कोई मेरे से कुछ गलती हो जाए कुछ बोलने में, तो उसको आप प्लीज़ बुरा मत मानना, स्किप मत करना, क्योंकि ठंडी इतनी है यहाँ पे, और दूसरा आप रोड देख ही रहे हो तो आप भी समझ सकते हो कि कितना मैं सोच के बोल सकता हूँ, जो मुँह में आ रहा है बस बोले जा रहा हूँ। ये देखो आप रोड देखो, बस इसी चीज़ का डर था कि यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी है ये ना है, बिल्कुल प्यार से बाइक निकालना पड़ेगा अभी यहाँ से हमें, और बाइक किनारे पर तो जाना ही नहीं है हमें, जो मर्जी हो जाए कीचड़ से निकाल देंगे पर किनारे पे नहीं जाएंगे जो मर्जी हो, क्योंकि किनारे से नीचे कोई जगह नहीं कि यहाँ बाइक रुक जाएगा, सीधा खाई में जाएगा यहाँ से। और ये गाड़ी वाले ना ये समझते नहीं हैं, इनको सिर्फ ये है कि मैं निकल जाऊँ पहले इनसे गाड़ी निकाल के। तो देखा उसने बेवकूफ़ ने के आगे कितनी जगह दी थी, और फिर भी वो ब्रेक नहीं लगा रहा प्रॉपर तरीके से।
गाइस ये जो टायर आप देख रहे हो, जो गाड़ी जा रही है आगे, ये जा रही है ऊपर, मशीन लगी हुई है जेसीबी, तो ये उनके लिए जा रही है, ये मशीनें ऊपर काम करती हैं, क्यों वो बार बार नीचे नहीं आ सकती, इसलिए ये गाड़ी स्पेशल टायर, उसका पंचर वगैरह कुछ हो गया होगा तो वो लगवा के अभी ऊपर जा रही हैं उसका टायर लेके। अभी यहाँ पे हमारे फ़ोन के नेटवर्क वगैरह सब कुछ जा चुके हैं, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे से कोई हेल्प नहीं आएगी, यहाँ अगर हेल्प कोई कर भी सकता है तो ये जो गाड़ियाँ गाड़ी वाले जा रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ जो है 4x4 हैं और ये लोकल लोग हैं यहाँ के, बस यही है जो अगर कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता गाइस। यार ग्लव्स भी निकाल दिए मैंने और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, हाथ मेरे बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं। अरे थैंक यू भैया साइड देने के लिए। गहरा ज़्यादा था ये, धीरे कर ले भाई, कहीं ऊपर गीले मत कर देना हमें। देखा गाइस भाई ने हमें साइड दे दिया कि इनका बाइक कहीं रुक ना जाए, इसे बोलते हैं लोकल ड्राइवर। जो परफेक्ट ड्राइवर है ना वो हमेशा दूसरे का भी सोचेगा कि उसको भी अगर निकला उसको मैं प्रॉपर साइड दूं, नहीं तो कई लोग होते हैं वो चुपचाप चलते रहते हैं हॉर्न मारने पे, अगर हम उसको हॉर्न देंगे तो वो खुंदक खाएगा कि हॉर्न क्यों बजा रहा बार बार। देख रहे हो कितने पास आ गए ग्लेशियर के हम, इससे भी ज़्यादा आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी ऊपर जाके। अभी ऊपर मेरा मतलब वो वाला ऊपर नहीं गए, मेरा मतलब ये इस पहाड़ के ऊपर, वो उस तरफ पूरा रोड बना हुआ है एकदम मस्त वाला। अगर आप स्पीति वैली जा रहे हो, लाहौल स्पीति देखना है, तो अगर आप सच पास की तरफ से जाओगे ना, आप अमृतसर से आ रहे हो या जलंधर से आ रहे हो, जम्मू से आ रहे हो, तो आपको ये रोड बेस्ट इसलिए बोलूँगा कि अगर आप एडवेंचर वाले एडवेंचर देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, नेचर के साथ 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 चलना चाहते हो, तो यहाँ से जो स्पीति वो पास में है, अगर मनाली से घूम के आओगे तो बहुत दूर है। ये चेक करो गाइस अब और ज़्यादा गंदा हो गया रोड, और ग्लेशियर देख रहे हो ना, वहाँ से बंदा स्लिप हुआ तो सीधा नीचे जाके रुकेगा, पता भी नहीं है कि रुकना भी है या नहीं। ये है सबसे गंदा रोड, अभी और भी है इससे भी गंदा। प्लीज़ गाइस यार ये देख रहे हो आप, पूरी की पूरी वॉल बनी हुई है यहाँ पे, ये सारा इसकी कटिंग हुई हो रखी है, ये जो मशीनें ऊपर ऊपर जाती हैं, जब ये सब कुछ काट के फिर वो ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, ये सारी रोड जो है हर साल इसको क्लियर करती हैं, पहले मशीन वगैरह यहाँ पे जेसीबी वगैरह एक्सकेवेटर वगैरह लगती हैं, शावल लगता है, पूरी मशीनें यहाँ पे लगती हैं, फिर ये रोड क्लियर होते हैं, उसके बाद फिर ये रास्ता खुलता है और फिर लोग जाते हैं आगे घूमने के लिए, ऐसे नहीं जा सकते। बाइक को गर्म होना चाहिए था, बाइक भी ठंडी पड़ रही है यहाँ पे आगे। ओहो धीरे हम निकाल नहीं सकते अगर, और तेज निकालने पे जितना भी पानी है वो हमारे शूज के ऊपर गिर रहा है आगे। हाथ गाइज मेरे जो पूरे सुन्न हो चुके हैं इस टाइम पे। गाइज ये चेक करो झरना कितना मस्त आ रहा है यहाँ से, ये झरने की साउंड है ना क्या ही बात है यार। ये चेक करो गाइज कितना बड़ा ग्लेशियर है, ये कटिंग करके पूरा रोड बना हुआ है प्रॉपर। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, अभी और इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर और ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है, वो देखो सामने, यहाँ तक अभी हम जा रहे हैं, वो ऊपर यहाँ तक अभी हम जाएंगे। ये रोड कटिंग हो रही है रोड की यहाँ पे, बारिश कभी धीरे हो रही है कभी तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें, पर जो नज़ारा ना यहाँ का जो व्यू है वो बहुत मस्त है। ये देखो कितनी मस्त वादियाँ हैं यहाँ पे, वो देखो जो नीचे से हम यहाँ से आए हैं रोड से नीचे से, ये देखो ये सारा रोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अभी हम आए हैं, अभी और भी है ऊपर, निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे बारिश लगी रहती है,
बंद होती नहीं। कल यहाँ पे धूप थी पर आज बारिश आ गई है यहाँ पे। चलो गाइस जल्दी से निकलते हैं आगे, आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि और ज़्यादा कितना ग्लेशियर अभी आगे कितना बड़ा हुआ है। तो गाइस चेक करो ये कितना जबरदस्त ग्लेशियर है, ये एंड है यहाँ का अभी इस टाइम पे। एंड तो नहीं है, अभी आगे भी रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा है, बट अभी क्या है कि ये रास्ते की कटिंग हो रही है। अभी यहाँ पे इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, पीछे हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, वहाँ पे इनकी एक गाड़ी लगी हुई है PWD वालों की। तो वो अभी बोल रहे हैं कि भैया आगे आगे जाना मना है, रास्ता बन रहा है। वो ये मतलब आपको पीछे बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ तक अभी कटिंग हो चुकी है रास्ते की, पर पूरा साफ हुआ नहीं है रास्ता अभी। तो गाइस ये चेक करो, वो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मशीन लगी हुई है इस टाइम पे। और ये इस तरफ देख लो, ये पूरी नीचे बर्फ ही बर्फ है। रास्ता जो है मतलब यहाँ पे अभी कटिंग हो रही है पूरे रास्ते की, ये पूरा ऊपर तक अभी कटिंग हो रही है। इसके आगे खुल जाएगा, अभी 15-20 दिन और लगेंगे बस यहाँ पे आके ये ख़त्म है। पर यहाँ पे देख लो कितनी बर्फ है, तो आगे कितनी होगी। पूरे मतलब सेंटर में खड़े हैं हम ग्लेशियर के, ये देखो ये फोटो निकालने लगे हैं अपनी टीढ़ थे। फिर बनने सच बात पूछना, फिर टीढ़ ही बनना पैना पा। गाइस चेक करो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है हमारे, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पे मैं, मुझे एक बार वापस ले जाओ, दोबारा वापस नहीं आऊंगा। ओए हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ये चेक करो। ओए धीरे चलना, ये स्लिप मत हो जाना, तूने शूज भी दूसरे पहने हैं जॉर्डन के, तुझे मैंने कहा था शूज दूसरे पहन ले ट्रैकिंग वाले, कहीं मैं खुद ना गिर जाऊं उसको बोलते बोलते। वैष्णो माता वाला कांड हो जाएगा, वहां गिरा था मैं एक बार, वो भी सीढ़ियों से, पर बच गया। उठना नहीं है, चलना है, चल यार। पर दूसरी बार यार धोखा हुआ हमारे साथ, दूसरी बार ऐसे हमारे साथ ना दूसरी बार ये धोखा हुआ है कि हम पूरा ऊपर तक माता के मंदिर तक नहीं जा सके। जो ऊपर मेन दर्शन करने जो लोग जाते हैं ना, वहाँ तक हम इस बार भी नहीं जा पाए। वो देखो गाइस पीछे गाड़ी आ रही है एक, ये PWD वालों की गाड़ी है, PWD वालों की। बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो अभी अच्छी तरह से। गाइस यहाँ पे हमने अपने बाइक पार्क किए थे, ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं PWD वालों की। तो ये यहाँ से गाड़ी आगे जाने नहीं दे रहे, इनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। ये रात को जाएंगे यहाँ से 6-7 बजे के करीब। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, बस यहाँ से ये रास्ता ब्लॉक है पूरा। वो तो गाड़ी कैसे पीछे जा रही है, इसके आगे पूरा रास्ता ब्लॉक है गाइस। तो गाइस ये देखो कितना बढ़िया व्यू है ना, इतना मज़ा आ रहा है ये व्यू देख के ना कि क्या बताऊँ आपको। और सन्नी देखो वो पीछे पता नहीं क्या देखने चले गया, बाइक लेके पीछे से आ रहा है वो। वो क्या हो गया तेरे को बेवकूफ आदमी, क्या हुआ? ब्रेक नहीं लगी यार, अपने काम कर। चलो उठा उठा बाइक तो उठा भाई, उठा उठा जल्दी कर। ओए देखते ओए पेट्रोल की स्मेल आ रही है। ओए इसके देख लगी तो नहीं पहले, स्टैंड लगा भाई, स्टैंड लगा, स्टैंड लगा। ओए सन अपने देखो, ये लगी तो नहीं तेरे, स्किट कैसे हो गया माए? नहीं नहीं ठीक है, खुला रोड है, स्किट कैसे हुआ तू? लाती यार ने यार, कोई गल नहीं। हाय होए कर सर यार, तेरे तो ना लगी बाइक का कोई चक्कर नहीं यार, तेरे तो लगी बढ़िया नहीं, स्किट हुआ कैसे मेरे को ये नहीं समझ आ रही। पता नहीं मेरे को भी पता चला क्या होगा यार, मेरे को अपने लगा आपकी बाइक के पास, अगली ब्रेक लगाई स्किट कर गया यार भाई, मेरे को नहीं पता लगा क्या होगा। बाइक तो बिल्कुल ठीक है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ब्रेक ठीक है ना बाइक की? बाइक ठीक है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ, थोड़ी सी लग गई हमारा जो गाइस GoPro है वो, उसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। 20% बैटरी है पर शायद उसको पानी लग गया जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा प्रॉपर। तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये इतनी शेक हो रही है कि क्या बताऊँ आपको, ये वीडियो बन रही है हमारे फोन में क्योंकि आपको ये जो रोड है ना जिसकी वजह से हम इतनी दूर से आए हैं ये दिखाना ज़रूरी है। ये देखो गाइस ये है मेन जन्नत जिसके लिए बंदा इतना रिस्क उठा के यहाँ तक आता, ये है यहाँ की जन्नत, ये है पूरा मज़ा। अरे ये देख रहे हो आप कैसे वॉल बनी हुई है प्रॉपर, चारों तरफ
बर्फ ही बर्फ है। वो देखो ऊपर की तरफ, हर तरफ आपको स्नो मिलेगी यहाँ पे। तो गाइस अभी हम वापस वहाँ पहुँच गए हैं रानीकोट, जहाँ हमने ज़्यादा समय चाय पी थी, और अभी यहाँ पे रुके हुए चाय वगैरह पी रहे हैं, ट्रेन वगैरह खा रहे हैं। उसके अभी मैगी वैगी खाई है हमने, चाय पी के यहाँ से वापस निकलेंगे। और आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखो नीचे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं हमें, कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ से। मतलब वहाँ लोग खेती भी करते हैं, ऊपर तक घर है यहाँ पे, लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे ये नहीं समझ आती लोग सर्वाइव कैसे करते हैं। प्रॉपर रोड भी नहीं है कोई जाने के लिए वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी यार ये लोग काफ़ी सर्वाइव करते हैं। और ये बीमार भी बहुत कम होते हैं, इनका मतलब ऐसा सिस्टम अंदर से बन जाता है, मेटाबॉलिज्म इनका इनका इतना ही होता है कि ये बीमार, हम जैसे हम लोग हैं, सर्दी लगी तो बीमार हो गए, गर्मी ज़्यादा लगी तो इन्फेक्शन होगी, पर इनको भगवान की कृपा है कि ये इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो गाइस अभी हम अपनी चाय को ख़त्म करते हैं और सीधे निकलते हैं यहाँ से डलहौजी के लिए। अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो खजियार का आएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।